लेकिन करौली बाबा ये बताइए, अगर इन्होंने चैलेंज कर भी दिया तो फिर ये पिटाई करना कहां तक जायज है? पिटाई वाला पूरा मामला क्यों हो गया जो इनकी तरफ से आरोप लगाया गया? ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ मार पिटाई की गई, गलत व्यवहार हुआ है। पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, अगर मैंने इनकी पिटाई की है, इनको कोई जाने के लिए किया है, मारपीट की है, दिखा दीजिए कोई वीडियो। नहीं, लेकिन वो तस्वीर तो वायरल है, वो डॉक्टर सिद्धार्थ की तरफ से, और उनको जो जानते हैं लोग वो लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनकी आंख में चोट लगी हुई है, उन्हें मारा गया है जब आपके सामने उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए। तो मेरा आग्रह कोहिंदी मुझको धन्यवाद करके प्रसन्नता के साथ चले गए हैं। ये अब कहाँ से स्कूल में लड़ाई झगड़ा किया है, किससे क्या किया है? मैंने तो मारा नहीं इनको, मैंने पीटा नहीं, मैंने नहीं। संतोष जी आप पर पीटने का आरोप भी नहीं है, आपके बाउंसर्स पर पीटने का आरोप लग रहा है, आपके बाउंसर्स पर पीटने का आरोप लग रहा है डॉक्टर सिद्धार्थ। और वो देखिए तस्वीर दिखा भी रहे हैं, आप नकार नहीं सकते बाबा, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे कुछ लोग आते हैं और उसके बाद धक्का मुक्की होती है और घसीट कर वहां से ले जा रहे हैं, ये नेशनल टीवी पर सब देख रहे हैं। बहुत ऑब्जेक्शन है, इनका कहना है एफआईआर में कि मैंने इनको मारा पीटा। नहीं, आपके सेवादारों ने ये जो वीडियो है इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ तो सब भक्त, यहाँ तो प्रत्येक वर्ग ही नहीं हमारे पास, यहाँ चलिए ठीक है आपसे आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, बाबा तो ये कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं एफआईआर में कि बाबा ने खुद आपको पीटा, बट ऐसी कोई तस्वीर तो नजर आ नहीं रही है। हाँ, सेवादार जो हैं या उनको बाउंसर्स कह लीजिए, वो पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, मामला है क्या? डॉक्टर होगी, सारे कैमरे तो इन्हीं के पास है ना, वहाँ ये मुझे जो सीसीटीवी लगे हैं वो सब इनके कैंपस में लगे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास रहता है। जब पुलिस वो सब खोल के ले जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसने पीटा है और किसने मारा है। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपको किसने पीटा? ये तो आप सरासर, मैं ये चाहता हूँ कि इन्होंने जो है खुद भी पीटा मुझे और इनके गुंडों ने भी पीटा। नहीं, लेकिन बात बिगड़नी कैसे शुरू हुई इस बात को आप बहुत सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर सिद्धार्थ आपसे जानना चाहती हूं कि जब आप वहां पहुंचे तो ऐसा क्या हुआ कि मामला हाथापाई और मारपिटाई तक पहुंच गया? जी मैं बताता हूं आपको, ऐसा हुआ कि जब मैंने इनसे अपेक्षा थी कि ये कुछ ऊपरी भूत प्रेत वगैरह निकालते हैं, वहाँ जाकर ये दावा करते हैं कि ऐसा हो जाता है और वो हो जाता है, जिनके आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वो, तो उसमें मैंने जब जाके इनसे वहाँ पर कुछ इन्होंने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, वो है, मैंने कहा भाई कुछ है घरेलू समस्या है कुछ, और मैं पितृदोष की मुक्ति के लिए आया हूँ और कुछ घर की सुख समृद्धि के लिए आया हूँ। उसके बाद मैंने कहा कि आपके बहुत चमत्कारी वीडियो पड़े रहते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है, आप सुन लीजिए पहले, उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि 1.5 लाख रुपए लेते हैं एक दिन की पूजा के, 1.5 लाख रुपए की जो आप बात कह रहे हैं ना, यही सवाल मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहा जा रहा है डॉक्टरों से भी महंगा उपचार आपके यहाँ होता है, बहुत महंगी रसीद आपके यहाँ कटती है, और उसके बाद जो आपके यहाँ आ रहे हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, खुद डॉक्टर सिद्धार्थ ये गंभीर आरोप आप पर लगा रहे? हाँ बिल्कुल कटती है, गलत बात एकदम। बहन जी पिछले 23 वर्षों से यहाँ पर आश्रम है, एक भी NCR एक भी कंप्लेंट नहीं है किसी के साथ दुर्व्यवहार की, मारपीट की, दुर्व्यवहार की किसी के साथ कोई कंप्लेंट नहीं है। आज भी हजारों भक्त इसमें दरबार में मौजूद है, तमाम पूरे देश का मीडिया इकट्ठा है, एक भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए किसी के साथ मारपीट, किसी के पास तोड़फोड़, किसी को गाली गलौज किया जाता हो, किसी को छुआ भी जाता हो, हाँ। जरा एक बार बाबा करौली, अगर किसी को नहीं छुआ जाता तो जोर से ओम नमः शिवाय बोल दें। करौली बाबा आपसे जानना चाहेंगे कि कितने की पर्ची कटती है आपके यहाँ? क्या 1.5 लाख की पर्ची कटती है? क्या 1.5 लाख की पर्ची कटती है? प्लीज मेरी बहन जी मेरी पूरी बात हो जाए, बहन जी मेरी पूरी, हाँ यस यस यस, हाँ बिल्कुल कटती है, रोज कटती है, रोज कटती, सामने हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं, परिवार बैठे हैं पूरे,
पूरा पूरा परिवार एक साथ अपने आप स्वस्थ होके जाता है। नहीं लेकिन करौली बाबा, अगर 1.5 लाख की पर्ची आप काट रहे हैं, अगर 50,000 का एक दिन का इलाज आप कर रहे हैं, तो चमत्कार से अगर आप इलाज का दावा कर रहे हैं तो इतना महंगा इलाज क्यों, बेकार है इतना महंगा इलाज क्यों? मेरी बात नहीं सुनेंगे, बोलिए। आप मेरी बात अगर नहीं सुनेंगे तो फिर बात करना बेकार है आपसे। क्यों नहीं महंगा इलाज होगा? आप डॉक्टर से पूछते हैं जब मेदांता जाते हैं, महंगा क्यों है? आप क्यों नहीं पूछते वहाँ मेदांता में जाके? तब तो आप पूछते नहीं। आप सर गंगाराम में जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं पूछते महंगा क्यों है? फिर तो बड़े आप शौक से इलाज कराते हैं सब लोग वहाँ जाके, क्यों नहीं पूछते महंगा है? आप विदेश जाते हैं इलाज कराने, वहाँ नहीं पूछते आप महंगा है? आप आश्रम में आए, ये सारे वो लोग ताली बजा रहे हैं जो रुपया दे करके 1.5 लाख स्वस्थ हुए हैं। तालियाँ सुन लीजिए, दिखा दीजिए, कैमरा कर दीजिए उस तरफ जरा भाई, TV9 दिखा दे अपना, दिखा दीजिए उस तरफ। ये तालियां बजा रहे वो लोग जिन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया है, 1 लाख 1 लाख